गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस मंदिर के बारे में आपको डिटेल देंगे, तो अजब सिंह ये चार पांच लोग थे। तो ये हमारे दद्दू हैं, तो हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिनके आंसर आपको ये बताएंगे। दद्दू, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो विनायकपुर में जो हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है उसकी स्थापना कब और कैसे हुई है? ठीक, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ठीक, ये 90 के दशक में हमारे यहाँ एक डीकना बाबा के नाम से मशहूर थे, उनका नागपंथ से उनका संप्रदाय था और दत्तागिरी के नाम से उन्हें संतों ने उपाधि दी थी। वो एक बार मकियानी की तरफ से विनायकपुत्र तरफ आ रहे थे, तो हमारे गांव के पूरब में एक जो खंडर है पुराना, उसके पास आके उनको एक अनुभूति हुई कि यहाँ पे बजरंग बली की एक स्थापना की जाए। हमारे वहाँ के गांव के कुछ लोग थे, उनसे उन्होंने आग्रह किया और लोगों ने स्वीकार किया और उसी की चर्चा हमारे गांव में हुई। गांव ने मिलके चंदा करके उसकी मूर्ति मंगवाई और उसकी स्थापना करवाई, और स्थापना करने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे पूज्य पंडित कृष्णानंद जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसके बाद सने सने मंदिर की चंदा हुआ और धीरे धीरे मंदिर को 2010 में मूर्त रूप दिया गया है। मिट्टी जो है वो खेरवर को पवित्र भूमि है, तो उनका 1985 में इसकी हनुमान जी की मूर्त रखी गई। वो तो आयोजन जो हो रहा है वो कितने सालों से जारी है? 1985 से लगातार भागवत शुरू है, चल रही है। कम से कम उस वहाँ पे 35-40 भागवत करीब हो चुकी हो चुकी है। भागवत तो पूरी बरबर हुई है। उसका कार्यक्रम चलता ही रहेगा जब तक मंदिर रहेगा, तब तक ये कार्यक्रम बंद रहेगा। तो महाराज जी, जो अपना विनायकपुर गढ़ी में जो मंदिर है, तो उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता तो अभी अनेकों हैं, और मंदिर का निर्माण कराया डिगना महाराज ने, सरजू सिंह ने, हरी सिंह ने, अजब सिंह, ये चार पांच लोग थे। उन्होंने वहाँ गुफा बनाई, स्थान बनाया, फिर एक आगरा से मूर्ति लाई, स्थापना करवाई। उसके कुछ दिनों बाद चलता रहा खेरे पे, सब भगवान वहाँ बैठे रहे। उनके सही अंत होने पर महाराज शुक्रगिरी आए, उनके सामने ये भव्य निर्माण मंदिर का हुआ।